ये क्या, जिस पैसे को पापियों का पैसा कहा जा रहा था, योगी जी, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी समेत जो लोग इस काले धन पर चुटकी ले रहे थे, समाजवादी पार्टी का काला धन बता रहे थे, झूठ फैला रहे थे, भ्रष्टाचार कर कमाया गया पैसा करार दे रहे थे, वो पैसा तो दरअसल वाइट निकला। जी हाँ, जो नोटों का अंबार 7 दिन की कार्रवाई में पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घर से बरामद किया गया है। दरअसल देश की जांच एजेंसियों ने उस पैसे को मेहनत से कमाया हुआ पैसा मान लिया है। भारतीय एजेंसियों में ये पैसा पूरी तरह वाइट है। कोर्ट में कागज देकर कह दिया गया है कि ये पैसा पीयूष जैन का टर्नओवर का पैसा है। कहा गया है 32 करोड़ के आसपास टैक्स या पैसे की चोरी है, 52 करोड़ रुपया कोर्ट में जमा कर देना होगा और काम खत्म। पीयूष के वकीलों के मुताबिक उन्होंने पहले ही कबूल किया था कि 32 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है, जो कि पेनल्टी के साथ 52 करोड़ रुपया होता है। अब बता दीजिए किस खाते में जमा किया जाना है। DGGI की जो टीम वहां छापा मारने पहुंची थी, उसी के अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन ने बताया है कि आनंदपुर स्थित आवास से जितना भी कैश मिला है, वो पीयूष जैन ने 4 से 5 साल में कंपाउंड बेच बेच कर कमाया है, लेकिन इस रकम का टैक्स अदा नहीं किया गया है। अब इस मामले को 31.5 करोड़ की चोरी का मामला बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। यानी कि पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर से जो 177.45 करोड़ रुपए की राशि बरामद की गई है, वो तो पूरी रकम पीयूष जैन के कारोबार का टर्नओवर है। DGGI ने जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किए हैं, उससे पीयूष जैन पर बनने वाले तमाम केस कमजोर हो गए हैं, क्योंकि असल में पैसा तो पूरा का पूरा वाइट ही हो गया। बस जो थोड़ी बहुत टैक्स की चोरी है, वो पीयूष जैन से वसूल ली जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर तमाम तरह के बेफिजूल आरोप लगाने वाले बीजेपी के नेताओं के मुंह पर ताले लग गए हैं। जो लोग चीख चीख कर इस पूरे मामले में सपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, सभी के मुंह लटक गए हैं और इस पर अब लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। एक पेपर कटिंग के साथ इस चुनावी मौसम में हर मौके पर बिना सोचे समझे सपा पर हमलावर होने वाले बीजेपी नेताओं की फजीहत हो रही है। लोग सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश की पार्टी पर सवाल उठाने वाली पार्टी की नीयत पर ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह ने पेपर की कटिंग के साथ संबित पात्रा पर जबरदस्त तंज कसा है, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी को पैसे के अंबार को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। लिखा, भाई संबित, बचा क्यों रहे हो शिखर पान मसाला वालों को आप लोग? सिर्फ ट्वीट करके काम चल जाता है क्या? अब तो कैश को टर्नओवर कह रही है आपकी एजेंसी, कोर्ट में केस कमजोर कर रही है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जवाब तो देना पड़ेगा, बोला है झूठ तो हिसाब तो देना पड़ेगा। फिर रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी संबित पात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लिखा है, अब संबित जी अवकाश पर शिखर पान मसाला तो साहब का ही चेला निकला। मनीष जगन अग्रवाल, जो कि समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने तो ट्वीट के जरिए सपा पर सवाल उठाने वाली सरकार की मानो बखिया ही उधेड़ दी। लिखा, अंदर खाने खेल हो गया, पैसों का मामला सेटल हो गया, भाजपा ने अपने आदमी को बचा लिया, अच्छी खासी बरामद रकम भाजपाइयों ने बंदर बांट करके खा लिया। ये है कानपुर वसूली की असली कहानी। इस वक्त भाजपा सत्ता के जरिए से चंदा वसूली और अवैध वसूली का धंधा कर रही है। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने भी पेपर की कटिंग के साथ तंज कसा है। लिखा है, गुनाह पर सरकारी पर्दा डालने की इस प्रक्रिया पर भाजपा के मित्रों की ज्ञानी टिप्पणी का इंतजार, अफवाह का दुर्गंध युक्त कोहरा स्वतः छट रहा है। इसी तरह कई और लोगों ने ट्वीट कर अब तक समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने वाली बीजेपी की ही नीयत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी से सफाई मांगी जा रही है और बीजेपी अब इस मामले में लगता है कुछ भी कह पाने में असमर्थ ही है। भाई जब उनकी ही जांच एजेंसियां इस पैसे को पूरी तरह से वाइट मान रही है, तो भला इस पर अब तक ताने झेल रही समाजवादी पार्टी सवाल क्यों ना उठाए? सपा कम से कम ये तो पूछेगी कि ये पूरी मनी जो अब तक ब्लैक थी और सपा की ही थी, वो अचानक वाइट कैसे हो गई? बता दें, पीयूष जैन इत्र कारोबारी है और 40 कंपनियों के मालिक बताए जाते हैं। मिडिल ईस्ट में भी इनकी 2 कंपनियां होने के बाद सामने आई थी। उनके कानपुर और कन्नौज स्थित घरों से DGGI ने 196.45 करोड़ की रकम बरामद की। इसे देश की सबसे बड़ी छापेमारी करार दिया जा रहा है। अभी मंगलवार को ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कल ही रात को 22 तारीख से चल रही मौकों की गिनती खत्म हुई है और आज देखिए पूरा मामला सेटल हो गया है। इसे पीयूष जैन की गाढ़ी कमाई बता दिया गया है। अब आप हमें बताएं कि क्या आपको भी इस पूरे मामले में कोई झोल नजर आता है? क्या आपका भी शक बीजेपी के नेताओं पर जाता है? क्या आप भी सपा पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं से कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।